अभी हरे चावल खाए, ये मैंने बनाए हरे चावल। और गाइस वहां पर लोग खा रही है सफेद चावल। अब गाइस आप ये पूछेंगे, आप पूछेंगे ये कि ये कैसे हरे हुए और वो कैसे सफेद है। तो गाइस ये चटनी वाले चावल, वो है राजमा वाले चावल। उसमें चटनी राजमा सब मिक्स है, इसमें सिर्फ राजमा। इसमें चटनी राजमा सब मिक्स। गाइस सीख लो गाइस, ऐसे खाया करते। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस ये देखो, ये वाली सब्जी मेरी है, ये वाली सब्जी पीस की है। देखो इसकी कितनी सी पैक की है, दो गोभी है सिर्फ इसमें, ज़्यादा ज़्यादा तीन होंगे। और ये वो भी बचा के लाएगा, क्योंकि सारी सब्जियां बचा के लाता है। और अभी तक ये वॉशरूम में ही है, अभी तक ये नहा ही रहा है। और मैं नहा धो के पूरी रेडी हो चुकी हूँ। और मेरी मम्मी हमारा खाना रख रही है ताकि थोड़े से परांठे ठंडे हो जाएँ। सबको पता है यहाँ मेरी कढ़ी चढ़ रही है, ये कढ़ी बन रही है। और वहाँ मेरी मशीन लग रही है और पलक सो रही है और टूशन की तैयारी कर रहा है। और मैं दो काम एक साथ कर रही हूँ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है और मशीन लगानी ज़रूरी थी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे, उनकी ड्रेस हो रही थी। और गाइस आज मुझे किसी ने बोला कि मैं पतली हो रही हूँ, तो ये बड़ी खुशी की बात है गाइस मेरे लिए कि मैं थोड़ी सी तो कम हो रही हूँ। मेरे को खुद को नहीं लगता, पर गाइस मैं कम हो रही हूँ, कोई कहता है तो बड़ी खुशी होती है। इसमें कभी तो मेरे को चाहिए मैं पतली हूँ, कम से कम मेरा 60 वेट होता है। एक होता ही क्या नहीं, रोज़ की तरह मौसम का वही हाल चाल है जैसा रोज़ रहता है। पर पोल्यूशन आज कम है, पर मौसम का वही हाल चाल है। धूप नहीं निकल रही है और 5 भी नहीं बजे हैं, क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ नहीं कर सकते ना, करना भी नहीं चाहिए गाइस। गाइस मैंने बुलाया है बिजली वाले को। क्यों बुलाया है, क्योंकि बच्चों का पंखा चलता है तेज, वो रेगुलेटर ख़राब हो रहा उनका कम नहीं होता, तो मैंने रेगुलेटर बदलवाना है। एक मेरा वो प्लग टूट गया है मशीन का जहाँ लग रहा था, उसके लिए बुलाया है गाइस। तो ये दो काम करवाने बहुत ज़रूरी हुए गाइस, इसलिए मैंने बिजली वाला बुलाया। और बिजली वाला आते ही ये काम हो जाएंगे तो बढ़िया है ना गाइस, करवाने पर। पीयूष को देखो, पलक के सोने का क्या फ़ायदा उठा रहा, दिखाती हूँ अभी आपको। पढ़ता पढ़ता और ये क्या कर रहा है, दुबक गया गाइस 100% इस गेट के पीछे। ये देखो गाइस, ये पलक के सोने का फ़ायदा उठा रहा है। देखो मेरी खांसी हो रही, खांसी तो तेरे भी हो रही है, देखना गाइस इसकी खांसी हो रही है। देखो सर गर्मी है गाइस, मई जून का महीना चल रहा है गाइस हमारे घर में। और मैं इनका रेगुलेटर बदलवा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने कहा इनको ठंड लगती है और इसको ठंड नहीं लगती। मैं झूठा गई का, इस बदतमीज है ये लड़का, बहुत बदतमीज है गाइस। इसका मैं क्या कर सकती हूँ, देखो किताब खोल के बैठा है गाइस, और पढ़ेगा कौन, इसकी माँ पूछे इससे, इसकी माँ पढ़ेगी क्या, पढ़ लो। मैं पढ़ लेती हूँ गाइस, मैं ही पेपर दिया हूँ ना, पता है इस सटरडे तो जूते धो ले, फिर शादी में जाएंगे ना, तो तेरे जूते भी धुल जाएंगे। हाँ पापा के भी धो दियो, आपके भी, सबके ना, मेरे नहीं पापा के और तेरे धो लियो, सबके नहीं धोड़े ना, तेरे और पापा के धो लियो, धोने का गारंटी शर्त, इस सटरडे दोनों के धो लियो, पापा के और तेरे धूप में डाल दियो, दो जोड़ी इस सटरडे धो दियो, फिर दो जोड़ी अगले सटरडे धो लियो। अगले सटरडे तो शादी है भाई, नहीं सटरडे को ही शादी, वेनसडे या थर्सडे में, तो कोई बात नहीं ना, तू तो जूते धोके रख दियो तेरे, क्योंकि फिर वहने का कैसे, शादी के टाइम पे पेपर बस एक दिन पहले खत्म है 11 को। वो तो हमेशा ही होते हैं तुम्हारे शादी के टाइम पे पेपर, उनका भी पेपर है, पढ़ने दी हो मुझे। गाइस बच्चों के पेपर जब होते हैं, जब या तो शादी हो या कोई प्रोग्राम हो घर में, होली पे, होली पे, पीयूष के तो होली बहुत अच्छी बनती है।
खाली कच्ची थी अभी, मतलब मैं बंद करके गई थी ऊपर कपड़े सुखाने गई थी, तो गाइस देखना इसने कड़ी खाली अभी कच्ची थी। वैसे इतनी कच्ची तो नहीं थी, पर ये था कि मैं जब तक पौन घंटा नहीं खदकाऊँ या एक घंटा नहीं खदकाऊँ मुझे विश्वास नहीं होता कि कड़ी पक गई। तो पौन घंटे में 5-1 मिनट थी जब मैंने ऊपर गई थी, क्योंकि मैंने 4 बजे चढ़ा दी थी सही कड़ी। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे बुक्कड़ को कि इतनी भूख लगती है कि आज तो पतली बनाई है, तो गाइस मैंने बहुत पतली बनाई है, फिर भी देख लो गाइस ऐसी बातें करता है। सब देख सकते हो पीयूष का बुक्कड़ बना, उसने ऐसी कड़ी खा ली। मैंने इस में स्कूल के जूते डाल दिए हैं और ये पीयूष की कटोरी रख देती हूँ। गाइस देखना कितनी पतली, आपको दिखाती हूँ देखना कितनी पतली है, इससे पतली क्या बनाऊंगा इसमें। अभी रखी रखी तो गाड़ी होएगी ना गाइस। कह रहा है कि मम्मी पतली बनाया करो, पतली कड़ी, पतली पतली। ओ गाइस अभी पीयूष जा रहा है ट्यूशन, उसका टाइम हो चुका है और मैं यहाँ बैठ के बकवास कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बकवास ही आती है और कुछ आता नहीं है जाता है। तो गाइस आपको पता है पीयूष पानी पी के जाएगा, फिर उसे टॉयलेट का प्रेशर लगेगा, फिर वो भगा हुआ आएगा ट्यूशन में से। गाइस पीयूष ने ना इसका टेंपल फिर तोड़ दिया और चारों तरफ से टूट गया है ये, और कितनी बार बदलवा हूँ मैं इसका टेंपल, मैंने 6ठी या 7वीं बार बदलवा दिया इसका टेंपल। जब से मैं वीडियो बनाने लगी ना, जब से ज़्यादा टूटने लग गया, पहले नहीं टूटता था इतना मेरा। और गाइस मेरे छाला हो गया, मैं छाला भी हो गया, खांसी भी हो रही है गाइस, क्योंकि मेरे हो रही है तो पीयूष की भी हो रही है, पीयूष की हो रही है तो मेरी भी हो रही है, क्योंकि पीयूष ने मेरे कर दी, मैंने पीयूष की कर दी। ऐसे एक दूसरे के हमने गाइस खांसी कर दी। गाइस आज मेरे कपड़े तो थोड़ी सी थी इसलिए धुल चुके हैं, और मैं सुबह से बिजली वाले को 4 बार बुला चुकी पर बिजली वाला आया नहीं। अभी कह रहा था मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट पर अभी भी नहीं आया। तो बताओ गाइस कैसे काम होगा, ये बिजली वाले भी धोखा देते हैं। मैंने उसको कितनी देर पहले कहा था, सुबह कहा था, वो बोला अभी आ रहा हूँ, फिर बोला मैं शाम को आऊँगा, फिर मैंने शाम को फ़ोन किया तो कह रहा अभी आ रहा हूँ। बड़ा धोखा देते हैं गाइस। और पेपरों के टाइम बच्चों के इतनी ठंड पड़ने लग गई गाइस, बारिश होने से हल्की ठंड पड़ने लग गई गाइस। पलक उठने के बाद पढ़ाई करने लग गई है और अब पलक पढ़ाई कर रही है। सो गाइस भी उठ चुकी हूँ मैं, 3:30 बजे सोई थी, 4:30 का बोल के 1 घंटे में उठ जाऊँगी, और मैं 5:50 पे उठी हूँ क्योंकि मेरी आँखें नहीं खुली, मुझे नींद आ रही थी, मैं थक गई थी तो मैं सो गई, और अब मेरे पेपर आ रहे हैं इसलिए मैं उठ के यहाँ पे बैठी गई हूँ। याद करने के लिए पीयूष पढ़ के गया है ट्यूशन, उसके बाद वो ट्यूशन से आएगा और क्या ही करेगा, फिर हमारा दिमाग खाएगा। और यहाँ पर मेरी मम्मी मेरे से नाराज़ हैं क्योंकि मैं सो गई थी, इसलिए देखो ही बैठी। अब क्यों नाराज़ हो, क्यों नाराज़ हो, नहीं गाइस फेक स्माइल दिखा रही है, फेक स्माइल। गाइस ठंड इतनी ज़्यादा होने लग गई, कल हम लोग ना 8:30 बजे सो गए थे मैं और पीयूष, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा ने हमें कमरे में से भगा दिया था क्योंकि पापा के कोल्ड हो रहा था, तो पापा टीवी देख रहे थे, कभी बंद कर रहे थे कभी देख रहे थे, तो हम लोग जा गए थे नहीं चले गए थे। उसके हम बाद हम 8:30 या 9 बजे तक हम सो गए थे, उसके बाद भी सुबह हमें 5:30 उठा नहीं जा रहा था, इतनी ठंड होती है, मन नहीं करता सुबह सुबह उठने का, बस मन करता सोते रहो। इतनी लेट उठने के, इतनी जल्दी सोने के बाद भी उठा नहीं जाता, मतलब ये देख लो है ना मम्मी, मेरे से भी नहीं उठा जाता सुबह सुबह, 5 बजे उठी थी, 5:00 पे गाइस मम्मी 5:00 पे उठी, मैं 5:30 में रोज 5:30 उठती हूँ। अलार्म बज रहा था, मैं सोची ना बंद हो जाएगा, फिर मैंने कहा बच्चे तो स्कूल जाएंगे, अगर मम्मी नहीं उठती तो छुट्टी हो जाती, मैं पीयूष खुश हो जाता। मुझे तो ना, मैं तेरे से गुस्सा हूँ, क्यों, क्योंकि तू दिन में गलत टाइम पर सोती है। सही तो सोती हूँ यार, 3:30 ही तो सोऊंगी, क्यों फिर लेट उठती है, उठ तो गई अब। कितने बजे उठी है बताइए, 6:45 मैं 6:30 5 मिनट है उल्टे, ये कोई टाइम होता क्या हो गया, कोई नहीं गाइस जब नहीं, अरे गाइस मेरे हाथ से फोन गिरा, मैं कह रही हूँ जब नींद आएगी तभी तो सोएंगे ना गाइस,
ये थोड़े तो कभी भी सो ना। सोए तो थे गाइस 8:30 सो गए थे। आज जल्दी नहीं सोऊंगी। अब दिन में नहीं पढ़ी तो रात को पढ़ूंगी थोड़ी देर। तो फिर भी नींद आने लगी। नहीं मैं पढ़ूंगी गाइस, मैं पढ़ूंगी। अगर मैं पास नहीं हुई तो मेरी मम्मी मेरे को धो डालेगी। धो के मारेंगी साबुन सर्फ घोल के, सब घोल के फिर मेरे पे वो नहीं होता कपड़े धोने वाला बल्ला, वो बजा देंगी। और क्या। और गाइस आज तो मेरी मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए हैं, कल राजमा चावल, आज कढ़ी चावल, सुबह आलू गोभी, सब कुछ मेरा फेवरेट। गाइस आपको पता है कपड़े धो के मैं बोर हो रही थी तो मैंने चला लिया बिग बॉस। और गाइस आपको दूसरी बात पता है, मैं सारे कपड़े अकेले सुखा के आई हूँ ऊपर, इसलिए आज मैं इन बच्चों से गुस्सा हूँ और मैं इनसे बात नहीं करूँगी क्योंकि ये बच्चे मुझे करते दुखी, सारा काम मेरे पे छोड़ देते हैं और मैं अकेली कहाँ तक करूँ गाइस, मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं इनसे आज गुस्सा हूँ, मैं इनसे बात नहीं करूँगी आज। सारे कपड़े मैं सुखा के आई हूँ, इतनी देर पलक सोती रही फिर पलक उठी है, तो गाइस ये कोई नाइंसाफ़ी है ना। और गाइस इन्हें बिस्तरों में रोटी चाहिए, वहाँ जाके रसोई से रोटी लेके नहीं आते, कहेंगे यहीं ला के दो मम्मी, पानी भी यहीं चाहिए। तो ये गलत बात है ना गाइस, मैं भी तो इंसान हूँ ना, आपको पता है ना मैं इंसान हूँ, इनको दया ही नहीं आती गाइस। और गाइस मैंने बिग बॉस चला लिया, मैं कोई काम नहीं कर रही गुस्से में, कढ़ी बना दी, चावल बना दी, बस रोटी रोटी बनानी है, गुस्सा आ रहा है इस मेरे को बहुत ज़्यादा। पर मैं आप बस आपको मोबाइल में क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती, ब्लॉग में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए ना गाइस, इतना तेज गुस्सा आ रहा है कि इनके सबके रैपट ही रैपट मार दूँ। बताओ सारे कपड़े में सुखा क्या आई, और मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मेरे को धीरे बोलना पड़ रहा है गाइस, मेरा बहुत ज़्यादा दर्द है गले में, खांसी गाइस इसके पापा की हुई, पीयूष की हुई, फिर मेरे को उसकी वजह से गले में बहुत ज़्यादा। गाइस ये बच्चे ये नहीं समझते कि मम्मी बीमार हो गई तो फिर सारा ही करना पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा ही कर ले इससे अच्छा, पर मानते नहीं है। मैं बिग बॉस चलाती हूँ फिर बंद करती हूँ, फिर चलाती हूँ फिर बंद करती हूँ, इतना बेकार बिग बॉस आ रहा है ना, मैं दुखी हो ली, टाइम पास ना होता, काम करती हूँ फिर आती हूँ फिर चलाती हूँ फिर बंद करती हूँ फिर चलाती हूँ फिर बंद करती हूँ। अब मेरा काम निबट गया इतना, मैंने सोचा पीयूष आवे इतना मैं बिग बॉस देख लूँ थोड़ी देर, फिर रोटी डालने रह जाएंगी खाली, क्योंकि सब्जी वब्जी बन गई, कपड़े धो लिए गए, पर ये बिग बॉस मुझे बोर कर रहा है गाइस। इसमें मैं सोचती हूँ अब कुछ होएगा, अब कुछ होएगा, अब कुछ होएगा, और इसमें कुछ होता ही नहीं, इतना दिमाग ख़राब करके धर रखा है बिग बॉस ने। जो OTT वाला सीजन था ना गाइस, फुकरा इंसान वाला, मुझे बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, और मैं फुकरा इंसान को जिताना चाहती थी गाइस, क्योंकि वो बहुत अच्छा से खेला था, इसलिए ये अच्छे से नहीं खेल रहे, मुझे नहीं पसंद है इनमें से कोई भी, बकवास ही बकवास है इसमें गाइस, पर देखना तो पड़ता है ना टाइम पास करने को, तो मैं देख लेती हूँ, आप भी देख लिया करूँगा इस टाइम पास करने को, तो पसंद नहीं है गाइस मुझे, बट टाइम पास कर लेती हूँ। और गाइस मैं इन बच्चों से अभी भी नहीं बोलूँगी, मैं नाराज हूँ, रोटी बना के दे दूँगी पर मैं आज बात नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरे को कपड़े नहीं सुखा के आए, फिर इन्होंने मेरी हेल्प भी नहीं करी काम में आज, तो मैं इनसे गुस्सा हूँ। आप भी होते हो ना गाइस अपने बच्चों से गुस्सा, मैं मारती नहीं हूँ गाइस, बहुत कम मारती हूँ जब अति हो जाती है, पर गुस्सा मैं बहुत होती हूँ जब नहीं मानते हैं तो। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।